एनी के पास तालीम की ताकत भी हो और पैसे की ताकत भी हो, वो हमारी तरह ना हो। आयशा, इस वक्त उस चाय की बहुत अच्छी जरूरत थी, सर दर्द कर रहा है मेरा। आपको देख के लग रहा था कि आपको एक कप चाय की जरूरत है। ऐसे भाभी, क्या बात है जो सर में दर्द भी हो रहा है, परेशान भी लग रही है? वही सोच जिससे जान ही नहीं छूटती, हर वक्त सर पे यही सवार रहती है। ये बेवक्त की शादी ने फाखर की और ऐनी की जिंदगी झाक कर रख दी है। भाभी, मैं बिल्कुल यही सोच रही थी, यही बात करने वाली थी आपसे। भाई साहब ने ऐनी के लिए बहुत कुछ किया, मैं हमेशा उनकी एहसानमंद रहूंगी। लेकिन जाते जाते शायद गलत फैसला कर गए। मैंने तो उस वक्त भी मुखालफत की थी, लेकिन उस वक्त मेरी एक ना चली। सोचती हूँ तो लगता है मुझे डट जाना चाहिए था, लड़ जाना चाहिए था, ये सब होने को रोकना चाहिए था। अभी मैं तो खुद अपने बच्चे की मुजरिम हूँ। उस वक्त हबीब की बातों में आ गई और गलत फैसला कर लिया। कि मेरी इस घर में कोई हैसियत है ही क्या कि मैं किसी भी फैसले के खिलाफ खड़ी होती या आवाज उठाती? अभी थोड़ी देर पहले फाखर ऊपर बैठा हुआ था, अकेला तन्हा। उसको डर लगता है, ये उलझने, ये परेशानियां, ये तनाव, ये उसे बीमार ना करते। वक्त से पहले वो कुछ कर ना बैठे, कुछ हो ना जाए। अल्लाह ना करे भाभी, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, मेरी बच्ची का सुहाग है वो। और ऐनी को देखती हूँ तो और भी दिल कटता है। आयशा, मैं सोचती हूँ कि हमें अपनी कोताहियों का अजाला करना होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ये हमारी जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। ऐनी को ताकतवर बनाना हो, उसको एतमाद, पुरएतमाद बनाना होगा। वो सब कुछ जो हम नहीं बन सके, हम नहीं कर सके, ऐनी और फाखर को वो सब कुछ मिलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि ऐनी के पास तालीम की ताकत भी हो और पैसे की ताकत भी हो, वो हमारी तरह ना हो।